दे हे। अरे नहीं जावेद साहब, आप समझ नहीं रहे। अरे दिवाकर सर बहुत गुस्से में आजकल, कोई भी गलती टॉलरेट नहीं कर रहे वो। कल ही उन्होंने इनटॉलरेंस को ना टॉलरेट करते हो अपना नेशनल अवार्ड लौटा दिया है। मैं तो कह रहा हूं भैया, आप भी कोई ढंग की स्क्रिप्ट लेके आइएगा, कहीं पता चले आपको भी भोपाल लौटा दे वो। क्या तो फ्री स्पीच का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी लिख देंगे। नहीं हाँ, वो भी कश्यप सर आए हुए हैं तो उनके साथ बीफ बैन के ऊपर प्ले डिस्कस कर रहे। अरे बीफ बैन हॉट टॉपिक है आजकल। हाँ फ्री होते तो बात कराता हूँ। ठीक दादा, तुम्हें जानी ना आमार हीरो इन दिस फिल्म लव्स काउ, हिज लव फॉर काउ इज डिवाइन। एक बार साला की होलो उसका काउ का किसने चोरी कर लिया, उसको ढूंढने के खातिर उसने डिटेक्टिव बॉक्सी को फोन किया, बोमकेश बॉक्सी। बोमकेश बॉक्सी पहुंचा स्लॉटर हाउस उस काउ को ढूंढने के लिए। स्लॉटर हाउस पहुंच के पता चला कि उसका काउ तो बीफ करी बन के रेस्टोरेंट में सर्व हो गया। तो आई वांट अ बीफ करी मेकिंग सीन। देख अगर तुझे स्लॉटर हाउस का सीन चाहिए तो मैं अरेंज करा सकता हूँ, वासेपुर में मैंने शूट किया है वहां। बट यार तेरे से वहां का बदबू टॉलरेट नहीं हो पाएगा। दादा आई एम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटॉलरेंस, आई टॉलरेट, बट ये बीफ करी सीन में झमेला ना हो जाए। अबे कौन करेगा बे झमेला। लंबी जुदाई क्या गाती है भैया, लता मंगेशकर जी का जवाब नहीं। लता मंगेशकर नहीं है दबाव, रेशमा है ये। यो भी क्या आवाज, मखमल जरूर राजस्थान की होगी। अरे राजस्थान की नहीं भाव, पाकिस्तान की है ये। तभी मैं सोचूं इतनी देर से शोर क्यों मचा रहे हैं। आज के बाद अगर ऐसा गाना लगाया ना साले, स्याही में डुबो डुबो कर मारूंगा। हाँ वो हाँ हाँ यहीं पर है जी जी, बात करवाता हूँ भाऊ। फोन है भाऊ। प्रणाम आ गया भाऊ हमारे इलाके में गौ माता पर शूटिंग। ए भाऊ जान दे देंगे शूटिंग नहीं होने देंगे। भाऊ भाऊ दुर्गा तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, 20,000 में तुझे सोनपुर मेले से खरीदा था, अभी तक तो तूने 2,000 का भी दूध नहीं दिया था और तू चली गई। कट इट। ओह आई वांट मोर टीयर्स, आई वांट मोर इमोशन। थोड़ा रो, तू क्या हो रहा है, थोड़ा रोना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कट इट। सच्ची बोल दी। अरे साला
काऊ को किराए पर, गौ माता का अपमान। छोटू स्याही निकाल, स्याही निकाल। व्हाट स्याही? आई राइट विद बॉल पेन। साले बॉल पेन की औलाद। अब तू जाएगा, गौ माता को वापस लाएगा और गौ माता को अपनी माँ की तरह अपने घर में रख के उनका पालन पोषण करेगा, समझा? सुना सुना, तूने अवार्ड भी वापस किया कोई? हाँ, छोटू जा रहा है इनका, अवार्ड ले इसको, सब सारे पुरस्कार वापस लेकर तू अभी के अभी, समझा? ले आ रहे छोटू, इसका पुरस्कार ला के इसको दे। साला बड़ा आया, डर रहे यार, सारी डर कर, अवार्ड वापस ले, और आज के बाद अगर अवार्ड वापस किया ना, देख रहा है? और शूट सोचना भी मत, कहूं माता को शूट। अरे दबाकर, तेरी पिछली फिल्म कौन सी थी बे? दादा बोमकेश बॉक्सी, वो अंधेरे वाली पिक्चर। हाँ दादा, वही वही। छोटू आ रहे, इसका सड़ेगा। अवार्ड छीन, शॉल ले जा, छीन। अरे छोड़, अवार्ड वापस कर। अवार्ड तो अवार्ड, टिकट के पैसे भी वापस कर। साला ये साला एक डायरेक्टर तो कंगला है बे। छोटू सम्मानित कर इसको अपने स्टाइल। साले आज के बाद ऐसी फिल्म मत बनाना। I will not tolerate this. Back up. हाँ, नहीं नहीं दिवाकर बनर्जी अब हम लोग के साथ काम करता है। हाँ नहीं नहीं, वो नेशनल अवार्ड लौटाया था ना, इनटॉलरेंस के अगेंस्ट। हाँ तो बस महावीर सेना वाले आए और अपने ही तरीके से उसको सम्मानित कर दिए। ऊपर से अपनी पिछली पिक्चर के टिकट के पैसे भी मांगने लगे, बोले साला इतनी कड़ना पिक्चर है उसके पैसे भी ले। अरे अब इसकी पिक्चर पैसे कमाएगी तब तो ये टिकट के पैसे देगा। हाँ बस एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने का भूत सर से उतर गया। हाँ नहीं अब इसको भी कमर्शियल पिक्चर करनी है, 200 करोड़ वाली। हाँ इसीलिए आजकल हमारे रोहित सर के साथ है। हाँ नहीं नहीं, सिंगम सीरीज पे काम कर रहा है। हाँ फुल साउथ इंडियन स्टाइल। 200 करोड़। हाँ हाँ नहीं आता है तो बात कराता हूँ ना पक्का। हाँ कहाँ गया है? अरे स्कॉर्पियो का स्क्रीन टेस्ट लेने गया है, गाड़ी उड़ाएगा ना गाड़ी। हाँ बस आता है तो बात कराता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ।